वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। दिस इज श्रेया गोइंग विद द चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 9th में एनसीईआरटी दैट इज ट्रायंगल्स। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ द ट्रायंगल्स। सो ट्रायंगल्स मेनली होते क्या है और इस चैप्टर में जितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एक एक कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो यू हैव टू बी विथ मी टिल द एंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ द चैप्टर दैट इज ट्रायंगल्स। सो फ्रॉम आवर जूनियर क्लासेस हम ट्रायंगल्स को डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। अ क्लोज्ड फिगर विद थ्री साइड्स। एक क्लोज फिगर जिसमें क्या होती है थ्री साइड, उसको हम एक ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। सो यहाँ पे ए बी सी एक डायग्राम है। ए बी सी क्या है, एक ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि एक क्लोज फिगर है जिसमें क्या आ रही है तीन साइड्स आती हैं। सो ये तो मेनली हमारी ट्राइंगल्स की डेफिनेशन हो गई। सो अब हमारे कुछ ट्राइंगल्स के टाइप्स भी होते हैं। अब मैं कहूँ कि इसके तीन साइड्स हैं तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि इस ये तीनों साइड्स कैसी हों, इक्वल हों। ऐसा पॉसिबल ऑब्वियसली हो सकता है, अगर एक फाइव है तो तीनों फाइव हो सकती हैं। और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि ये दो साइड्स ही इक्वल हो, सिर्फ ये दो साइड्स इक्वल हो, तीसरे डिफरेंट हो जाए। और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि ये तीनों ही साइड्स कैसे हो जाएं, अनइक्वल हो जाएं। ऐसा भी पॉसिबल है ऑब्वियसली। सो इसके बेसिस पे यानी कि साइड्स के बेसिस पे हम ट्राइंगल्स को तीन ट्राइंगल्स में क्लासीफाई करते हैं। पहला होता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें क्या होती है ऑल साइड्स आर इक्वल। ट्राइंगल्स की जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं वो हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। और जो लास्ट हमने डिस्कस किया था जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं होती उसे हम कंसिडर करते हैं एज अ स्केलन ट्राइंगल। सो थर्ड वाला होता है हमारा स्केलन ट्राइंगल जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती है। तो ये तो हो गए हमारे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। अब एक एंगल के बेसिस पे भी हम ट्राइंगल्स में काफ़ी सारे टाइप्स को हम क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि ऐसा पॉसिबल है इस ट्राइंगल में कि ये तीनों साइड्स इक्वल हो हमारी, एंगल बी, एंगल सी और एंगल ए, जो तीन एंगल्स हैं तीनों इक्वल हो सकते हैं। सो उस केस में क्या होता है हमारा ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल ही कहलाएगा। ओके और अगर कोई ऐसा केस आता है जिसमें सिर्फ इसके दो एंगल्स इक्वल हो तीसरा डिफरेंट हो वो भी आइसोसेलेस के ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। और अगर तीनों डिफरेंट है तो वो स्केलन ट्राइंगल। तो ये साइड्स और एंगल्स दो सेम है, तीन सेम है या एक भी सेम नहीं है, वो इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलन ट्राइंगल्स होते हैं। अब अगर हम बात करें इस ट्राइंगल में अगर एक एंगल है फॉर एग्जाम्पल, या फिर हम तीनों एंगल्स की बात करें, ये एंगल है 60 डिग्री का, ये एंगल है 60 डिग्री का और ये भी है 60 डिग्री का। सो एज वी नो कि ट्राइंगल्स की तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। हमने लाइन्स एंड एंगल्स में डिस्कस किया था, दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है ट्राइंगल की, दैट वॉज एंगल सम प्रॉपर्टी एंड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स का तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। सो अगर ये तीनों एंगल्स सेम है 60, 60 और 60, इन तीनों का सम ऑब्वियसली 120 डिग्री है। और ये तीनों एंगल्स कौन से हैं, मतलब 60 डिग्री कौन सा एंगल होता है, एक एक्यूट एंगल होता है। मतलब अगर किसी ट्राइंगल में तीनों ही एंगल्स कैसे हैं, एक्यूट है यानी कि 90 डिग्री से छोटे हैं, तो वो हमारा ट्राइंगल क्लासिफाई होता है एज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल अगर उसमें तीनों एंगल्स कैसे हैं, एक्यूट है। और अगर उसमें ऑब्ट्यूस एंगल आते हैं फॉर एग्जाम्पल, देखो अब यहाँ पे कंडीशन और एप्लीकेबल होती है कि अगर हम ऑब्ट्यूस एंगल करते हैं तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कैसे होगा। आपके माइंड में एक केस आ सकता है कि तीनों एंगल्स कैसे होंगे, 90 से बड़े होंगे, लेकिन इस केस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। मतलब हमने एक तरफ ये भी डिस्कस कर रखा है कि इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, और दूसरे साइड की ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़े होते हैं। 90 से बड़े की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे इसको 100 ले लूँ और 90 से बड़े में क्या आता है, ऑफकोर्स 100 से अबव ही आने वाला है और तीनों का सम कितना आना है 180 डिग्री। सो 90 से अबव दूसरा भी हम 100 ही ले सकते हैं ना, और उससे कोई और नहीं ले सकते। सो यहाँ पे इन्हीं दोनों का सम क्या हो जा रहा है 200। सो ये तो एक ट्राइंगल पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि तीनों का सम कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए, यहाँ पे दो का ही सम क्या आ रहा है 200 आ रहा है। सो इसमें हमारा सिर्फ एक ही एंगल ऐसा होता है जो किसके जो कैसा होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है। अब इन तीनों का सम कैसा होगा 180 डिग्री, और हम इसको कैसे क्लासीफाई करेंगे, अब हम इसको एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कहेंगे क्योंकि इसमें एक एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूस एंगल है, क्योंकि इसमें दो एंगल पॉसिबल ही नहीं है। सो दूसरा हमारा होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा होता है। नाउ थर्ड टाइप ऑफ ट्राइंगल, थर्ड टाइप ऑफ ट्राइंगल कैसा हो सकता है,
अगर एक इसका 90 डिग्री हो, ये हमारा फिर 30 हो जाएगा। अब इन तीनों का सम कितना है, 180 है, और इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। सो ऑब्वियसली इस ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन ऐसे नहीं होगा, वो ट्रायंगल कुछ इस टाइप से कंस्ट्रक्ट होगा, इस टाइप से कंस्ट्रक्ट होगा ये ट्रायंगल हमारे यहाँ पे ऐसे है। बट नो नीड टू वरी, बिकॉज हम यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल सपोज कर रहे हैं इस ट्रायंगल का, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। सो अगर एक एंगल किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री है, तो वो ट्रायंगल सीधे हो जाता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये होते हैं हमारे ट्रायंगल के कुछ टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। सो ये हमारे हो गए कुछ ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज। अब जो मेन है इस चैप्टर में, जो मेन चीजें हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी को, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल्स। सो सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंसी को समझते हैं। सो नाउ कॉन्ग्रुएंसी को समझने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्ग्रुएंसी वर्ड समझना होगा। सो कॉन्ग्रुएंसी का सीधा सीधा मतलब होता है कि सिमिलैरिटी, यानी कि मेरे पास एक ट्रायंगल है एबीसी और दूसरा ट्रायंगल है पीक्यूआर। सो अब मैं किस बेसिस पे कह सकती हूँ कि एबीसी और पीक्यूआर दोनों सिमिलर है? इस बेसिस पे कह सकती हूँ कि तीनों की साइड्स इक्वल हो, तो क्या हो जाए, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए। या इस बेसिस पे भी कह सकती हूँ कि इसकी ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, और ये दो दो एंगल्स भी इक्वल है। तो मतलब ऐसे काफ़ी सारे क्राइटेरियाज हो सकते हैं जिसके बेसिस पे मैं ये कह दूँ कि ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है, दोनों कैसे हैं ट्राइंगल्स, एकदम इक्वल ट्राइंगल्स हैं। तो यही जो हम सिमिलरिटी बताते हैं, उसी को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना। अब ये जो कॉन्ग्रुएंट हम करते हैं, ये हम कुछ मैथड से करते हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी को मतलब अगर हम डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं। पहला तो क्या हो सकता है कि हम इसे ऐसे कहें कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर मैं इस एबीसी को पीक्यूआर के ऊपर प्लेस करूं, सो पीक्यूआर क्या हो जाए, ये पूरा पीक्यूआर को ओवरलैप कर ले, मतलब एकदम उसको अच्छे से कवर कर ले, ना ज़्यादा हो ना कम हो, एकदम उसके इक्वल हो जाए, कवर कर ले उसको। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब इसके कॉन्ग्रुएंट के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, मतलब हम किस किस के बेसिस पे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो सबसे पहला तो जो वो साइड, यानी कि अगर इन तीनों की साइड, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाए, तो तीनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये हमारी हो जाएगी SSS, यानी कि साइड क्राइटेरिया, जिसके बेसिस पे हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट वन इज SAS। SAS मतलब क्या होता है, साइड एंगल और साइड, यानी कि साइड एंगल साइड का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, ये नीचे वाली साइड हमारी कॉमन नहीं है, अब मैंने कह दिया कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंगल मैंने इक्वल कर दी है, तो इस बेसिस पे क्या होगा, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इनकी एक एक साइड इक्वल है, आई मीन दोनों साइड इक्वल्स हैं, और एक एक एंगल इक्वल है, तो साइड एंगल साइड हो जाएंगे। थर्ड वाली है हमारी ASA, यानी कि एंगल साइड एंगल, यानी कि ये एंगल हो गया, फिर साइड हो गया, फिर एंगल हो गया, इन दोनों की हम यहाँ बात ही नहीं करते हैं। ओके, सो हमारा ये ट्राइंगल है और हम एंगल साइड एंगल लगा रहे हैं ना। सो सबसे पहले हमारा क्या रहा है, एंगल, ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये एंगल इसके इक्वल है। सो एंगल साइड एंगल, एक क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हम उसे काउंट करेंगे ना, तो एक ना एक कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे निकल के आ जाएगी हमारे सामने, जिसके बेसिस पे हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। सो आपको एक फ्लो में चलना है, एंगल साइड एंगल, ऐसे नहीं कर सकते हम एंगल एंगल साइड, इस टाइप हम करेंगे एंगल साइड एंगल, एक क्लॉक वाइज फ्लो में चलेंगे, तो हमारी कॉन्ग्रुएंसी ऑब्वियसली आ जाएगी। फिर हमारा आरएचएस पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं एंगल एंगल साइड। सो एंगल एंगल साइड का क्या मतलब हो जाएगा, ये यानी कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और साइड इक्वल है, यानी कि एंगल एंगल साइड, एक फ्लो में चले हम। सो एंगल एंगल साइड से क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। या तो आपको ऐसे चलना है, या तो आपको ऐसे चलना है, एक फ्लो में चलना है, आप इसको इधर उधर से नहीं ले सकते। ओके, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज इसे काउंट करेंगे, तो हमारी एक ना एक कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी। अब हम बात करें लास्ट कॉन्ग्रुएंसी की, दैट इज RHS। इसका मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड, या ये मेनली यूज होते हैं हमारी राइट एंगल ट्राइंगल में, RHS वाली कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि ये कोई ट्राइंगल है और ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है,
इन दोनों में एक एक 90 डिग्री होगा, ए बी सी एंड बी क्यू आर एम इनका नेम अगर मान लें, दोनों में एक एक राइट एंगल है, तो क्या मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकती हूँ? सो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें यहाँ पे इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी यूज करने की जरूरत नहीं है, हम इसमें डायरेक्टली आरएचएस लगा सकते हैं। अगर हमें किसी भी ट्राइंगल में कोई भी दो ट्राइंगल है उन दोनों पेयर में 90 डिग्री प्रेजेंट है तो हमारे वो दोनों ट्राइंगल आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, सो ये हो गया हमारे कॉन्ग्रुएंसी की कॉन्सेप्ट में। सो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है ट्रायंगल का। अब हम बात करते हैं हमारे ट्रायंगल चैप्टर की सबसे ईजीएस्ट पार्ट की, या फिर हम कह सकते हैं कि सबसे कोई ऐसा पार्ट जिसका यूज़ करते ही हमारा जो क्वेश्चन है बड़े ही सिंपल मोड पर आ जाता है, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है, वो हमारा वर्ड है सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या है? आई थिंक दैट दिस इज द मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर और इम्पॉर्टेंट भी है। सीपीसीटी मेरे अकॉर्डिंग इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ईजीएस्ट पार्ट है, जिसके बेसिस पे ये चैप्टर पूरा क्वेश्चन ही ईजी हो जाता है। तो सीपीसीटी एक्चुअली है क्या, सो इसको हम पर्सनली डिस्कस करेंगे, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो। सो नाउ सीपीसीटी क्या है? सीपीसीटी की पहली बात तो फुल फॉर्म होती है जो है कि करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स तो हमें अच्छे से पता है कि कोई भी दो ट्राइंगल्स अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाए किसी भी एक क्राइटेरिया से तो वो दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाएंगे। अगर हम दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दें किसी भी 5 क्राइटेरियाज में से किसी भी क्राइटेरिया से तो वो दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो इसमें करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स की बात की जा रही है, यानी कि अगर इसमें का हम ये वाला साइड लेंगे तो इसमें से भी हमें ये साइड लेनी पड़ेगी, इसमें से अगर हम ये साइड ले रहे हैं तो इसमें से भी ये, और इसमें से भी ये, तो इसमें से भी ये। सिमिलरिटी एंगल्स में भी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स एप्लीकेबल हैं। सो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, मान लेते हैं कि ये ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी, और ये है ट्राइंगल पी क्यू आर, जस्ट लेट सपोज इट, और ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंसी का जो साइन होता है वो कुछ ऐसा होता है, इज इक्वल्स टू के ऊपर एक वेव बनाते हैं हम, वो हमारा होता है कॉन्ग्रुएंसी का साइन, इसको आपको याद रखना है। सो कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों ट्राइंगल मान लेते हैं, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। अब हमसे पूछ रखा है सी पी सी टी का आखिर यूज़ क्या है, हमें ये समझना है बेसिकली यहाँ। सो अगर मैंने कहा आपसे कि ये जो तीनों ट्राइंगल्स हैं ना वो किससे कॉन्ग्रुएंट है, साइड से, किस क्राइटेरिया से, एस क्राइटेरिया से, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। अब मैं करस्पॉन्डिंग सी पी सी टी का यूज़ कैसे कर सकती हूँ? अब मैं चाहूँ तो इस वाले एंगल को इसके इक्वल कर सकती हूँ, या फिर इसके इस वाले को इसके इक्वल, या फिर इस वाले को इसके इक्वल, किसके बेसिस पे, सी पी सी टी के बेसिस पे। मैं कह सकती हूँ कि एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू बाय सी पी सी टी, या फिर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी बाय सी पी सी टी, सिमिलरली एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल आर बाय सी पी सी टी। सो जरूरत नहीं, इसमें ये एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है कि सिर्फ SSS वालों में ये कॉन्ग्रुएंसी काम करेगी या फिर ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। हमारे पास कोई भी दो ट्राइंगल है जो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो उसके हम किसी भी साइड को, किसी भी एंगल्स को दोनों ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, या फिर हम इक्वल प्रूफ कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सी पी सी टी। दिस इज द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, सो दैट वॉज ऑल अबाउट ऑफ द चैप्टर ट्रायंगल। सो ट्रायंगल में कुछ नहीं था, मेनली क्या क्या था, ट्रायंगल में हमने ट्रायंगल की डेफिनेशन डिस्कस की, उसके टाइप्स डिस्कस किए ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड एंगल, उसके बाद हमने कॉन्ग्रुएंसी को डिस्कस किया, कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज पढ़े, फिर हमने सी पी सी टी को डिस्कस किया, एंड दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। इसी के बेसिस पे हमारा पूरा चैप्टर सॉल्व होने वाला है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ट्रायंगल्स। सो टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।